बात केदारनाथ की, जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हवा में खराब हुए हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड यहां पर कराया गया था। अचानक तकनीकी खराबी आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। रोटर में प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। क्रिस्टल कंपनी का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले हुआ हादसा। सभी यात्री सुरक्षित। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। फाटा से केदारनाथ धाम जा रहा था हेलीकॉप्टर। तस्वीरें केदारनाथ की आप देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड करवाया गया है। ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं। रोटर में दिक्कत आ गई थी और इस टेक्निकल फॉल्ट के चलते यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है, गनीमत यह है कि यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ। 6 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। आप यहाँ क्लोजली इस एंगल से देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर घूम रहा है गोल गोल लैंडिंग के से पहले, और जब वो और तेज घूमने लगता है तो वहां नीचे खड़े आसपास के लोग भी थोड़ा दूरी बना लेते हैं। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि यात्री सुरक्षित हैं। 6 लोग सवार थे। फाटा से केदारनाथ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर से भीषण आग लगने की खबर है। अलीपुर के कार्निवल फार्म हाउस में आग लग गई। आग में पूरा फार्म हाउस जलकर तबाह हो गया। दिल्ली के अलीपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये कार्निवल फार्म हाउस था, भीषण आग लगी हुई है। देखिए कितनी भयावह आग की लपटे, काला धुआं ये आप देख पा रहे हैं, जो फार्म हाउस से निकलकर बाहर उठता हुआ देखा जा सकता है। और इस आग में जैसा कि नजर ही आ रहा है, पूरा फार्म हाउस जलकर तबाह हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कार्निवल फार्म हाउस की, जहां दिल्ली के अलीपुर में यह फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस में आग लग गई। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, लेकिन आग की इन लपटों में घिरकर ये पूरा फार्म हाउस तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये जानकारी मिल रही है। गर्मी के इस मौसम में आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस फार्म हाउस में क्या शॉर्ट सर्किट आग की वजह बना, किसी की लापरवाही से आग लगी, क्या गलती रही, क्या हुआ, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरह से यहां पर आग लगी हुई है और आग की इन लपटों में फार्म हाउस जलकर स्वाहा हो गया। दुर्ग में जान के लिए आफत बने हैं होर्डिंग्स। होर्डिंग्स का फ्लैक्स बाइक चालक पर गिर गया। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाल बाल बची बाइक चालक की जान। देखिए किस तरह से ये फ्लैक्स गिरा है। और राजेंद्र पार्क चौक के पास की घटना है, और बाइक चालक के ऊपर देखिए वो सामने से आ रहा था, उसके ऊपर उड़कर ये फ्लैक्स गिरता है। बाल बाल वहीं से कार भी गुजर रही होती है। बाल बाल बाइक चालक की जान इस हादसे में बच जाती है। शहर में तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। न्यूज 18 ने जर्जर और नियमों के खिलाफ लगे इन होर्डिंग्स की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बावजूद प्रशासन की उदासीनता, जिसके चलते यह घटना हुई। देखिए किस तरह से यह फ्लैक्स उड़कर बाइक चालक के ऊपर गिरता है। बिलासपुर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। होर्डिंग्स मालिक पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। अतिक्रमण दस्ते ने ये होर्डिंग्स हटाए हैं। बगैर अनुमति के ये होर्डिंग्स लगाए गए थे। अगली खबर टीकमगढ़।